हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट टू है सितंबर के महीने का एग्ज़ाम न्यूज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आप पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन तक देख सकते हैं, अब 21वें क्वेश्चन से पार्ट टू में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लीनेक्स 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो स्लीनेक्स SLINEX स्लीनेक्स भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास था, यह है भारत और श्रीलंका के बीच में यह अभ्यास हुआ है। तो यह अभ्यास हुआ है त्रिनोमाली में, जो कि श्रीलंका में है। समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और दोनों देशों के नौसेना का विश्वास बढ़ाना इसका पर्पज है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनिक्स का पर्पज यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बेंगलोर स्पेस एक्सपो के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया है उद्घाटन, के सिवान कौन है, जरूर याद कर लीजिए। इसरो के इस समय के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना जान लेते हैं, इसरो का पहले फुलफॉर्म जान लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने ई खरीद प्रणाली का नया मोबाइल ऐप आपूर्ति किसने लॉन्च किया। तो पीयूष गोयल इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि रेल मंत्री हैं। आपूर्ति यानी खरीद प्रणाली के लिए अब आपूर्ति ऐप का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 87वां इजमीर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो कहाँ आयोजित किया गया। इजमीर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो की बात है, तो ये तुर्की में हुआ है। इजमीर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये तुर्की में इजमीर है और ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो है व्यापार के लिए, इसलिए इसका नाम इजमीर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो कहा गया। तुर्की की बात है तो तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तुर्की की कैपिटल है अंकारा और तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शहर है अंकारा और तीसरे नंबर पे है इजमीर। तो इजमीर यहीं पे ही ट्रेड शो आयोजित हुआ है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, हाल में किस राज्य ने विधान परिषद के लिए मंजूरी दी है। तो विधान परिषद के लिए किसने मंजूरी दिया है, उड़ीसा ने दिया मंजूरी। उड़ीसा आ गया, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा ने इसको पारित किया है, तो यानी टोटल अब 8 राज्यों में हो जाएगा। अभी तक टोटल 7 राज्यों में है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 8वां राज्य हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूर इन सबको याद कर लीजिए। इनको कई बार देखेंगे, दो बार तीन बार देखेंगे तो जरूर याद हो जाएंगे, कोई बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल में विश्व हिंदू कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है, यानी ये जो सम्मेलन हुआ है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका शुरुआत हुआ था शिकागो, जो कि अमेरिका में, USA में है, इसका वहाँ पे ही यह आयोजन हुआ है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम जान लेते हैं, थिंक कलेक्टिवली एंड अचीव वैलियंटली। थिंक कलेक्टिवली एंड अचीव वैलियंटली, तो विश्व हिंदू कांग्रेस की थीम है। आगे जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो ये 8 सितंबर को मनाया गया। विश्व साक्षरता दर में सुधार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम याद कर लीजिए, लिटरेसी एंड स्किल्स डेवलपमेंट। इसे मनाता कौन है, यूनेस्को। यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसके डायरेक्टर जनरल इस समय हैं ऑड्रे अजौले। इसका मुख्यालय बच गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2017-18 का खिताब किसने जीता। UEFA क्या है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो मेंस प्लेयर 2018 का कौन बना है, लुका मॉड्रिक ही जीते हैं। तो 2017-18 के लुका मॉड्रिक हैं। सवाल ये भी आ सकता है 2016-17 के कौन थे, 2016-17 के थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत और किस देश के बीच गगनयान मिशन पर मिलकर काम करने के लिए समझौता हुआ है। तो किसके बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की करेंसी है यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। US ओपन 2018 का महिला खिताब किसने जीता। तो किसने जीता है, नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, ये भी सवाल जानना जरूरी है। तो नाओमी ओसाका हैं जापान की। इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया, जो कि 6 बार की विजेता थी। जापान की बात है तो जापान की है कैपिटल टोक्यो। और जापान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जापान से जरूर आता है, जापान के संसद का नाम, जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, डायट।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब इन सबको जरूर एक दो बार देखेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन हुआ है बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। आयुष्मान भारत योजना किससे रिलेटेड है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी गरीब परिवारों को 5 लाख तक बीमा इस योजना के तहत करवाने की बात सरकार ने सोची है। और कॉल सेंटर 24x7 यानी 24 घंटे हर दिन की सुविधा देने के लिए यह कॉल सेंटर की उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविक। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं सर्बिया के। सर्बिया की बात है तो सर्बिया की कैपिटल जान लेते हैं। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। और ये नोवाक जोकोविच 3 बार यूएस खिताब जीत चुके हैं और 14 ग्रैंड स्लैम भी इनका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, डायल 1076 सेवा किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने, यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। ये किस लिए है? डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस के लिए डायल 1076 सेवा शुरू की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, हाल में सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का आयोजन करने का निर्णय किसने लिया है? तो सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का आयोजन करने का निर्णय लिया है रूस ने। रूस की बात है तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। इसका आयोजन, अच्छा सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन पूर्वी साइबेरिया में होगा और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या होगा? वोस्तोक 2018, वोस्तोक इसका नाम होगा। रशिया की बात है तो रशिया की संसद का नाम जान लेते हैं। रशिया की संसद का नाम है द्यूमा और रशिया चाइना ये सब मिलकर करेंगे इस अभ्यास को। चाइना की बात है तो चाइना की करेंसी है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रैन मिनवी। दोस्तों कई बार कंफ्यूज होता है रैन मिनवी और युआन में, जैसे अपने यहाँ करेंसी है रुपया, लेकिन रुपया का पार्ट है छोटा सा पैसा, उसी तरह से रैन मिनवी का एक छोटा सा पार्ट है युआन। तो कभी कंफ्यूज मत होइए कि चाइना की करेंसी है युआन, चाइना की करेंसी है रैन मिनवी, जबकि युआन एक छोटा सा उसका हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, हाल में NRTI ने कहाँ संचालन शुरू किया है? कहाँ संचालन शुरू किया NRTI ने? शुरू किया है वडोदरा में। NRTI क्या है? नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों वडोदरा में भारत का पहला रेल ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी भी खुल गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, हिमा दास को किस राज्य का खेल राजदूत नियुक्त किया गया? तो हिमा दास को, जो कि अभी एशियन गेम्स में जीत के आई हैं, इन्हें असम का खेल राजदूत नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हुआ। मंगोलिया की बात है तो नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच हुआ। मंगोलिया की कैपिटल जान लेते हैं, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। आगे बढ़ते हैं, किस देश के NGO को बालजन पुरस्कार मिला है? तो किस देश के NGO को मिला है? यह स्विट्जरलैंड का एक NGO है जिसका नाम है इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स चैरिटी। इस NGO को बालजन पुरस्कार मिला है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, वेब पोर्टल रेल सहयोग कौन लॉन्च किया? तो वेब पोर्टल रेल सहयोग कौन लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, मोबाइल प्लेटफॉर्म ई रायथू किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ई रायथू को लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के CM जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश रिलेटेड को क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है भारत का। तो ई रायथू किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, 41 है, सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र कहाँ खोला है? तो सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र कहाँ खोला है? बेंगलोर में। और सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र कहाँ खोल दिया? बेंगलोर में। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 41 क्वेश्चंस। अब पार्ट 3 में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरियन। तो दोस्तों थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हम। अब थर्ड पार्ट में हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे।